हेलो स्टूडेंट, हम जियोलॉजी प्रैक्टिकल क्लास की नेक्स्ट क्लास के ऊपर जो है वो हाइंड लिंब ऑफ फाउल एंड रैबिट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इससे पहले हमने जो जो हमारा टॉपिक है वो है बोन्स ऑफ फाउल एंड रैबिट, जिसमें हमने डिफरेंट बोन्स को डिफरेंट लेक्चर के थ्रू जो है वो आइडेंटिफिकेशन फीचर जो है उसके देखे हैं। अब जो है हाइंड लिम्ब के बारे में, इससे पहले हमने फोर लिम्ब के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने फीमर और ह्यूमरस के बारे में पढ़ा, और उससे पहले पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल के बारे में देखा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइंड लिम्ब ऑफ फाउल एंड रैबिट। अब यहाँ पर एक पिक्चर में देख पा रहे हैं जो हाइंड लिम्ब होती हैं उसमें मेन फीमर, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। अब आप देखिए फीमर में आपको पिक्चर बनाइए कि क्या आइडेंटिफिकेशन फीचर आपने देखा था। फिर उसके बाद टिबियो टार्सस, फिबुला, टार्सल, टार्सो मेटा टार्सल। अब ये जो नाम होते हैं उसका मतलब है कि यहाँ पर ये बोन जो हैं फ्यूज़ हो गए हैं, टिबिया के साथ टार्सस फ्यूज़ हो गए हैं, टार्सस और मेटा टार्सस फ्यूज़ हो गए हैं, तो जिसके कारण एक कॉमन बोन बन जाती है। और लास्ट में फेलेंजेस, फीमर है, ठीक है, ये टिबियो फिबुला होती है, और फिर ये टार्सल मेटा टार्सल और फेलेंजेस। ये मॉडिफाइड हो जाता है, हाइंड लिम्ब जो है वो मॉडिफाई हो जाता है बाइपेडल लोकोमोशन के लिए इन फाउल के अंदर। रैबिट के अंदर फोर लेग्स होती हैं, टू को फ्रंट और फोर लेग्स बोलते हैं और टू को रियर और हाइंड लेग्स बोलते हैं, या लिम्ब्स ना बोलकर हम लेग्स का जो है नाम लेते हैं। जो फ्रंट फीट होती है जिसको फोर लिम्ब के नाम से या फोर फुट के नाम पे हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम हाइंड फीट के बारे में अब यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये फीमर बोन है रैबिट की और ये टिबियो फिबुला है, यहाँ पर ये टार्सल मेटा टार्सल और ये डिजिट जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पर भी कुछ कुछ फ्यूज़न जो है वो रहता है और वो एक आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम हाइंड लिम्ब ऑफ फाउल पढ़ रहे हैं। हाइंड लिम्ब फाउल का ये कंप्लीट पिक्चर आप देख पा रहे हैं, इस तरह का है, जिसमें ये फीमर बोन है, ठीक है, और यहाँ पर जो है टिबियो टार्सस एंड फिबुला। अब ये जो बोन होती है ये क्या होती है, इनमें जो टिबिया, वैसे क्या होता है, टिबियो फिबुला बोन जो है वो मिलती है, टिबियो और फिबुला के बीच में यहाँ टार्सस जो है वो फ्यूज़ हो गए जी, ठीक है, जिसके कारण उसने टिबियो टार्सस बना दी और फिबुला बोन आप देख पा रहे हैं, पतली सी ये बोन जो है आपको देखने को मिल रही है, बिल्कुल पतली सी बोन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल पतली सी बोन आपको, बिल्कुल स्लेंडर बोन है, इसको बोलते हैं टिबुला, ठीक है। ये सेकेंड बोन जो होती है टिबियो टार्सस एंड फिबुला, ये फिबुला तो पतली सी बोन हो गई, टिबिया के साथ जो है वो टार्सस जो है वो फ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण वो एक टिबियो टार्सस बोन बना लेती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तीनों ही बोन फ्यूज हैं, शैंक बोन बन गई है एक। टिबियो टार्सस जो है वो स्ट्रेट है, ठीक है, लॉन्ग बोन है, उसके अंदर जो प्रॉक्सिमल रो ऑफ टार्सस होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं टिबिया के साथ, ठीक है। और प्रॉक्सिमली अगर आप देखेंगे इसके अंदर फीमर जो है वो के साथ ही जुड़े होते हैं, एंड डिस्टली जो है ये टार्सो मेटा टार्सस के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर फीमर जो है वो जुड़ेगा और यहाँ पर जो है ये टार्सो मेटा टार्सस, जो नेक्स्ट आपको ये बोन दिख रही है, ये बोन जो है यहाँ पर जुड़ेगी। फिबुला जो है बहुत ही रिड्यूस है और स्मॉल स्लेंडर बोन की तरह आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप इजीली क्या डिफरेंट पार कर रहे हैं कि फिबुला बोन जो है पतली सी बोन प्रेजेंट है और ये तीन बोन जो है लंबी लंबी सी आपको दिखाई देंगी, अदरवाइज टू ही दिखाई देती हैं, ठीक है, ह्यूमरस को छोड़कर, ठीक है, ह्यूमरस, यहाँ पर टिबियो फिबुला और ये मेटा टार्सस, इसके जो है वो थोड़े लंबे लंबे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो टिबियो फिबुला के अंदर क्या हुआ, फिबुला एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो रिड्यूस हो गया है और जो टिबियो है वो टार्सस के साथ फ्यूज हो गया है।
सेकेंड टार्सो मेटाटार्सस। अब टार्सो मेटाटार्सस आप देखेंगे एक सिंगल बोन जो है वो बन जाती है ये। इसके अंदर मेल और फीमेल को अगर आइडेंटिफाई करना है तो एक सिंपल सा स्पर आपको देखने को मिला। ये स्पर जो है ये मेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर ये प्रेजेंट है तो मेल का है, अदरवाइज ये फीमेल का है। दूसरा हमने क्या बताया, टार्सस और मेटाटार्सस। अब जो प्रोक्सीमल रो थी वो तो टिबिया के साथ फ्यूज हो गई, जो डिस्टल रो होती है टार्सल की वो जो है मेटाटार्सस के साथ फ्यूज हो जाती है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेटाटार्सस के साथ फ्यूज होकर ये कॉमन टार्सो मेटाटार्सस बना देती है। ठीक है, इसके अपर सरफेस पर आपको ये टिबियो टार्सस के लिए फेसेट प्रेजेंट देखने हैं जहाँ पर टिबियो टार्सस आकर जुड़ती है, और डिस्टल एंड में आपको नोड्यूल्स जो हैं देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट मेटाटार्सस का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। ठीक है, ये छोटे छोटे आपको यहाँ पर नोड्यूल से गांठें सी जो हैं वो दिखाई देंगी। मेल के अंदर स्पर प्रेजेंट होगा, फीमेल के अंदर नहीं होगा। फेलेंजेस जो हैं इसके अंदर फोर टोज आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 4, जिसमें से फर्स्ट जिसको हलक्स बोलते हैं वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होती है। ये वाला जो आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर जो है पीछे की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है, बाकी जो है वो सारे फॉरवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर रोज के अंदर 2 3 4 जो है 2 3 4 5 फलेंजेस जो है वो रिस्पेक्टिवली आप देखेंगे। लास्ट वाली जो है वो लंबी है जिसके अंदर 4 5 फलेंजेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं और सभी के ऊपर जो है क्लोज प्रेजेंट होते हैं। ये है हाइंड लिंब ऑफ फाउल, सॉरी रैबिट। अब सॉरी, इसको हमने देखा, ये है फाउल का हाइंड लिंब, फीमर बोन है, उसके बाद जो है टिबियो टार्सस, फिर है मेटाटार्सस, और फिर जो है फेलेंजेस, जो है टार्सो मेटाटार्सस के बाद फेलेंजेस। अब रैबिट के अंदर आप देख पाएंगे, रैबिट के अंदर जो है टू ही बोन दिख रही है आपको। ठीक है, अब इस बोन को हम हाइंड फुट बोलते हैं। हमने बताया रैबिट के फोर फुट और हाइंड फुट बोलते हैं। फोर हाइंड फुट के अंदर जो है टार्सल बोन टू रोज में। अब यहां पर आइडेंटिफिकेशन फीचर ये, फोर लिम में भी आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, वहां पर कार्पल थे, ठीक है, यहाँ पर टार्सल हैं। ये आइडेंटिफिकेशन फीचर में आपने कैसे करना है, जो फोर लिम के अंदर आपने देखे थे वहां पर राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे थे, और हाइंड लिम के ऊपर आप देखेंगे आपको रेक्टेंगुलर से स्ट्रक्चर दिखाई दे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो टिबियल होती है वो इंटरमीडियम होते हैं प्रोक्सियल लो के, वो फ्यूज करके कॉमन एस्ट्रागुलस बना लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर देखेंगे ये वाला रीजन आप देखेंगे, सबसे पहले तो इसकी बोन देखिए, टिबियो फिबुला। यहाँ पर भी जो टिबियो फिबुला है आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये पतली सी बोन है, ठीक है, जो कि फिबुला है, और मोटी सी बोन जो है वो टिबियो टिबियो है। ठीक है, ये टिबिया जो होती है ये किसी के साथ फ्यूज नहीं है, जैसे कि अगर आपने फाउल में देखा था वो टार्सस के साथ फ्यूज थी तो टिबियो टार्सस बना रही थी। यहाँ पर टिबिया जो है सिंगल बोन है और फिबुला जो है वो सिंगल बोन है। फिबुला जो है वो पतली सी बोन है, वो हाइंड पोर्शन में फ्यूज्ड है और एंटीरियर पोर्शन के अंदर जो है वो फ्री देखने को मिल रही है। सेकेंड, जो हाइंड फुट के अंदर हमने बताया टू रोज होती हैं टार्सल की, जो अपर रो प्रोक्सीमल रो है जिसमें टिबियल और इंटरमीडियम है फ्यूज होकर एक सिंगल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये इसका यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कहलाता है एस्ट्रागुलस।
जो कि प्री एक्सियल साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है, और दूसरा जो है जो लार्जेस्ट टार्सल बोन प्रोड्यूस होती है इनटू स्पर ऑन पोस्ट एक्सियल, यहाँ पर जो स्पर आप देखने को मिल रहा है ये वाला रीजन, ये आपको बोन जो है आपको एक साइड में अलग से निकल रही है जिसके कारण जो मूवमेंट है टिबियो फिबुला की वो रुक जाती है, ठीक है, वो बैकवर्डली जो है वो नहीं मूव कर सकता। तो ये आपको लॉन्गिट्यूडनल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कहलाता है फिब्रुलेयर और या कैल्केनियम जो है इसको बोल दिया जाता है। ये लार्जेस्ट टार्सल बोन होती है जो कि पोस्ट एक्सियल साइड में देखने को मिलती है। डिस्टल रो के अंदर थ्री बोन्स हैं, मीजो कॉनकीफॉर्म, एक्टोकुनीफॉर्म और क्यूबॉइड, तीन बोन जो है यहाँ पर ये डिस्टल थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फ्यूज्ड हैं, ये आपको रेक्टेंगुलर से रीजन जो है वो देखने को मिलते हैं जो इसीलिए आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये वाले, ठीक है, डिस्टल रो ऑफ टार्सल। फोर टोज होती हैं, यहाँ पर फोर टोज हैं, 1 2 3 4, और यहाँ फोर टोज जो हैं उनके अंदर थ्री फेलेंजेस जो प्रेजेंट होते हैं और टर्मिनेशन में जो है वो क्लास जो है वो देखने को मिलते हैं। रैबिट का हाइंड लिम, ठीक है, फाउल का हाइंड लिम देखा आपने, उसके बाद रैबिट का हाइंड लिम देखा जिसको आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। अगर आपको सिंगल बोन दिख रही है तो उसमें ह्यूमरस है, टिबियोटार्सस है, टार्सस मेटाटार्सस है और फिर फेलेंजेस है। यहाँ पर टिबियो फिबुला जो है इंडिपेंडेंट प्रेजेंट है और टार्सल मेटाटार्सल जो है वो सभी इंडिपेंडेंट, मतलब फ्यूज नहीं है, आपस में फ्यूज हैं कि टार्सल मेटाटार्सल के साथ फ्यूज नहीं है, मेटाटार्सल जो है अलग से आपको देखने को मिल रही है, सारे मेटाटार्सल जो है फोर देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर ये फेलेंजेस देखने को मिल रही हैं और ये टार्सल हैं। तो सभी चीज़ें अपने आप में जो हैं वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, वो आपस में तो फ्यूज है। यहाँ पर जो हमने टार्सल देखे, ये जो टार्सल हैं, ये टार्सल जो हैं ये तो फ्यूज कर रहे हैं कि अपर रो वाले जो हैं एस्ट्रागलस बना रहे हैं आगे की तरफ और जो प्रोक्सीमल होते हैं वो बनाते हैं जो फिब्लियर जो है कैल्केनियम बोन जो कि लार्जेस्ट टार्सल बोन बैक साइड के अंदर देखने को पोस्ट एक्सियल साइड के अंदर देखने को मिलती है। तो ये था हाइंड लिम ऑफ रैबिट। थैंक यू।